कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है। इस यात्रा का आगाज खोई सियासी जमीन को लाना और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को नया जोश देना है। हालांकि यात्रा के साथ नए नए विवाद भी जुड़ रहे हैं। दरअसल केरल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर जबरन वसूली का आरोप लगा है। कोलम जिले में एक सब्जी बेचने वाले ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर धमकाने का आरोप लगाया है। सब्जी बेचने वाले का आरोप है कि कोलम में भारत जोड़ो अभियान के तहत फंड इकट्ठा किया जा रहा है। इसके तहत 2000 रुपए मांगे थे, पैसे ना देने पर उन्होंने मेरे साथ मारपीट करी। इस घटना का वीडियो भी वायरल हो रहा है। सब्जी वाले ने बताया कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं का एक दल मेरी दुकान पर आया और भारत जोड़ो के लिए चंदा मांगने लगा। मैंने 500 रुपए दिए, लेकिन वो 2000 रुपए मांग रहे थे। पैसे ना देने पर उन्होंने मेरा तराजू और सब्जी फेंक दी। वहीं दूसरी ओर वीडियो सामने आने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई हुई है। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष सुधाकर ने सब्जी वाले से मारपीट करने के चलते 3 कार्यकर्ताओं को पार्टी से निलंबित कर दिया है। उन्होंने इसको लेकर ट्वीट भी किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।